सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए हिसार से संकल्प पत्र संकलन यात्रा की शुरुआत हुई। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर गुरुग्राम और हिसार से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें लोगों के सुझाव के लिए एक विशेष पेटी रखी गई है। वहीं सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए विशेष LED का प्रबंध भी किया गया है। यह यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक अभियान चलाएगी। इस दौरान आगामी समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कैसी सरकार होनी चाहिए, ये आम जन का विचार जानने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हरियाणा में BJP पार्टी 75 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। संकल्प पत्र संकलन यात्रा जिसमें हमने जो विशेष प्रकार के वाहन तैयार की है, जिसमें लोगों के सुझाव लेने के लिए पेटी रखी है, हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें LED की भी विशेष व्यवस्था की है, जिसमें प्रदेश सरकार की जो खास उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, उनको उसमें दिखाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो संकल्प यात्रा के वाहन हैं, ये हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक कोई वाहन चलेगा और 3 दिन में पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए वहाँ के जो जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की सरकार किस प्रकार की हो, ये विचार जानने का प्रयास किया जाएगा। इसमें पेटी रखी है, इसमें कुछ हमने परफॉर्मा रखा है, फार्म रखे, लोग भरकर के उसके अंदर पेटी में डालेंगे और फिर हमारे ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। ये कमेटी इन सारे जो सुझाव आएंगे इनका संकलन करके और फिर संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का भविष्य की सरकार के लिए किस प्रकार से हो, ये तैयारी उनके नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में की जाएगी। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।